हमारी उंगली भी कट जाए तो हम भगवान के होने पर शक करते हैं। थोड़ा ही काम बिगड़ जाए तो उस परमात्मा के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। परंतु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही जितनी शायद इतिहास में बहुत कम लोगों ने सही होगी, उनमें ऐसी क्या शक्ति थी जिस कारण उन्होंने हंसते हंसते यातनाओं को सहन किया, इसका पता उन्हीं की वाणी से पता चलता है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1427 में दर्ज है। हे मित्र, जिसका नाम जपने से मुक्ति प्राप्त होती है, उसी का तुम गुणगान कीर्तिमान करो। श्री गुरु नानक जी कहते हैं, हे मन, मेरी बात सुन, जिंदगी हर रोज घट रही है। हे चतुर व्यक्तियों, यह जान लो कि ईश्वर ने 5 तत्वों की रचना की है। नानक कहते हैं कि यह अच्छी तरह मान लो, जिससे उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाना है। संत पुरुष पुकार कर कहते हैं कि ईश्वर घट घट में है। श्री गुरु नानक जी यह निर्देश देते हैं कि हे मन, हरि भजन कर लो, भव सागर से पार उतर जाओगे। जिसे कोई सुख दुख लोभ मोह एवं अभिमान स्पर्श नहीं करते, यानी जिस व्यक्ति पर इनका होना या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में नानक कहते हैं कि हे मेरे मन सुन, दरअसल वही भगवान की मूर्ति है जिसे प्रशंसा अथवा निंदा का असर नहीं होता, जो लोहे और सोने को बराबर मानता है। नानक फरमाते हैं कि हे मन सुन, उसी से मुक्ति मिल सकती है जिसे खुशी अथवा गम प्रभावित नहीं करता। जो शत्रुओं और मित्रों को बराबर मानता है, उसके लिए गुरु नानक कथन करते हैं, हे मन सुन, उसी से मुक्ति मिलेगी। जो ना किसी व्यक्ति को डराता है और ना ही किसी का डर मानता है, नानक का कथन है कि हे मन सुन, उसी को ज्ञानी कहना चाहिए जो विषय विकारों को छोड़ देता है, संसार को त्याग कर वैरागी हो जाता है। नानक का कथन है, हे मन सुन, वही व्यक्ति भगवान है जो माया ममता को त्याग देता है। नानक कहते हैं, उसी के मन में ब्रह्मा का निवास है। जिस प्राणी ने अहम को छोड़कर परमेश्वर को पा लिया है, नानक कहते हैं, वही व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त है। इस सच्चाई को मन में स्वीकार कर लो। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जैसे महान गुरु बिरले ही पैदा होते हैं। उनका जीवन समाज में समाज के लिए ही व्यतीत हुआ। वह कभी डरे नहीं, उन्होंने किसी को डराया भी नहीं। जिन्होंने भयंकर यातनाएं सहन कर भी उस व्यक्ति जिसने उन्हें कष्ट दिए उसके लिए मन में वह द्वेष नहीं लाए। जिन्होंने समाज को किसी भी कीमत पर धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया, ऐसे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पूर्व पर उनको हमारा शत शत नमन और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सतनाम श्री वाहे गुरु।